मेरे सैनिक भाइयों, मैं कर्नल दिनेश नैन चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। मैं आपके साथ एक संदेश और एक आह्वान के साथ बात करने के लिए आज सामने आया। जैसे कि आप सबको पता है कि जो कोरोना की महामारी है, ये किस प्रकार से देश में फैल चुकी है। हर राज्य में कम से कम 20-30% लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं, और वही हाल हुआ है हमारे 25 लाख पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ, और साथ ही साथ लगभग 15 लाख उन सैनिकों के परिवारों के साथ जो आज भी सेना में है, यानी 40 से 50 लाख परिवार। इतने सारे परिवारों के साथ 10-15 दिन पहले यह देखा गया कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर धक्के खाते घूम रहे हैं, कोई उनको गेट में नहीं घुसने दे रहा, और उनके सामने उनके जो नजदीकी उनके भाई बहन बेटा बेटी सांस लेते लेते सांस के लिए मर गए। इतना बेसहारा, इतना बेबस उन लोगों ने महसूस किया कि मैं बता भी नहीं सकता। यह देखकर हमें लगा कि यह समय है जब नेक दिल सैनिकों को अपने सैनिक परिवार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने संपर्क साधना शुरू किया अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों से, और बड़ी भारी मात्रा में लोग सामने आए। कोरोना बीमारी बहुत खतरनाक है, 1 घंटे के भीतर भीतर आदमी को मौत के मुंह में पहुंचा देती है। जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू होता है तो ये जो कोरोना फैल रहा है 24 घंटे भी नहीं देता। लेकिन आज की तारीख में पॉलीक्लिनिक या फिर ECHS सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। आप वहां जाते हैं तो आपको बताते हैं इस हॉस्पिटल में चले जाओ, उस हॉस्पिटल में चले जाओ, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे को गेट के अंदर तक नहीं घुसने देते। इन सब बातों के बाद आर्मी हेडक्वार्टर से संपर्क साधा गया, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वेटरन सेल हो, ECHS हो या कोई हो, बहुत ही सकारात्मक उनकी तरफ से जो है रिएक्शन आया। सभी कमांड्स को लेटर लिख दिया गया कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं या सैनिकों के परिवार हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। यहां तक कि जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर भी अभी कुछ आदेश पहले से आ रखे हैं और कुछ आदेश आने वाले हैं। परंतु समस्या यह है कि इस 40 से 50 लाख परिवारों के पास यह संदेश पहुंचे कैसे, कि जब उनका भगवान ना करे अगर किसी के ऊपर बुरा वक्त आता है तो वो कहां जाए। लिहाजा मैं समझता हूं कि जितने भी भारत के अंदर जितने भी आपके आसपास सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको आप सैनिक कोरोना QRT में अपने आप को बदल लेना चाहिए, और जो क्षेत्र में वो हैं उस क्षेत्र के अंदर किसी को भी अगर मदद चाहिए तो उसको मदद पहुंचाएं। कंट्रोल रूम का नंबर मैंने सामने दिया हुआ है, इसको अपने सभी ग्रुप्स में ऐड कर लें। जो भी संदेश ऊपर से आ रहे हैं, दाएं से आ रहे हैं, बाएं से आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे संदेश कम से कम समय में आपके पास पहुंच जाए। इस बीमारी से बचाने के लिए समय बहुत जरूरी, बहुत कीमती है। कोरोना का मरीज अगर 90 से नीचे उसकी ऑक्सीजन हो जाती है तो मुश्किल से 10 से 12 घंटे अगर उसको मदद नहीं मिली तो प्राण त्याग देता है। और अभी जो स्थिति है, यह स्थिति आने वाले टाइम में कम से कम 4 गुना बढ़ने वाली है। तो ऐसे समय में अगर सभी हम लोग संगठित होकर के गांव तक के जो अपना परिवार है, सैनिक परिवार, उस तक नहीं पहुंचे तो समझ लीजिए कितना नुकसान होगा। मुंह ढक के रखें, डबल मास्क पहने, किसी के पास नजदीक ना जाएं, घर में अपने आप को रखें, और घर में रहते रहते अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सैनिक कोरोना QRT लखनऊ, सैनिक कोरोना QRT बीकानेर, सैनिक कोरोना QRT मद्रास, सैनिक कोरोना QRT पठानकोट, और अपने आप को कंट्रोल रूम के साथ में जोड़ के रखें।
जैसे हमारे पास संदेश आता है, हम उस इलाके के जितने भी ग्रुप्स कंप्यूटर के अंदर हमारे पास में अब रजिस्टर्ड है, उनको तुरंत वो संदेश दे रहे हैं ताकि वो उस परिवार के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ वेटरन सेल से लेकर के और आर्मी हेडक्वार्टर में जहां भी हमें पहुंचना है हम पहुंच रहे हैं, और मैं आपको बताऊं मदद भी मिल रही है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमें यह बात समझनी पड़ेगी। आज से पहले पिछले 7-8 दिन में हर रोज भारी मात्रा में कोई ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट, कोई दवाई की रिक्वेस्ट, कोई बेड ऑक्सीजन बेड की रिक्वेस्ट, किसी को वेंटिलेटर की रिक्वेस्ट लगातार आ रही है। और सिर्फ पूर्व सैनिकों के परिवार से नहीं, सैनिकों के जो सैनिक अभी सेवा में है उनके परिवार से भी। और आज क्या मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एक बहन ने फोन किया कि उसका पिताजी देवबंद के अंदर आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसकी ऑक्सीजन लेवल 64 हो गई है, और उसका बेटा वेस्ट बंगाल के अंदर सेवा में है। हमने तुरंत वेटरन सेल को भी सूचित किया और जितने भी ग्रुप सहारनपुर के आसपास, यहां तक कि हमने जो कानपुर तक के ग्रुप है उनके अंदर भी संदेश डाला। और आपको जान के ये खुशी होगी कि तुरंत वेटरन सेल ने रुड़की एमएच को फोन किया और हमें सूचित किया, जिस जो नंबर हमने वेटरन सेल को दिया उन्होंने उस सैनिक के भाई से बात की और उसके पिताजी को 1.5 घंटे के भीतर भीतर रुड़की एमएच में एडमिट किया गया। कई सैनिक हमारे को फोन कर रहे जो सेवा में है कि उनके परिवारों को वैक्सीनेशन कराना है, हम पे इतना भरोसा है उन लोगों को। तो मैं आपसे से ये गुजारिश करना चाहूंगा, हम सब लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, क्यों ना हम अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर सैनिक कोरोना क्यूआरटी के माध्यम से जो भी सैनिक परिवार हमसे मदद चाहता है हमारे क्षेत्र के अंदर, क्यों ना हम आगे आए, क्यों ना हम संगठित हो, क्यों ना हम कम्युनिकेशन बढ़ाएं, क्यों ना हम मदद दें, क्यों ना हम मदद लें। और सारा परिवार अगर संगठित होता चला गया तो हम इस कोरोना की महामारी में कई सैनिक परिवारों को सदस्यों को बचा पाएंगे। दूसरा, यह बात आप भी समझते हैं कि आर्मी के अंदर जो आज के मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो हमारे पॉलीक्लिनिक है जो फेल हो चुके, ईसीएच फेल हो गया है, उसके साथ जितने भी एम्बुलेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट गेट में नहीं घुसने दे रहे, बेड नहीं है बोल रहे हैं, ऐसे में एकमात्र उपाय रह गया इस परिवार को बचाने का, और वो है वैक्सीन। भ्रम है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होता है, हाँ होता है, 90% लोगों को नहीं होता, 10% को होता है, परंतु वैक्सीन जिस बंदे ने लगवा ली उसको ना तो ऑक्सीजन बेड पे जाना पड़ता है और ना ही उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। यानी घर में 5-7 दिन का जो भी बुखार आया, सिर्फ शरीर दर्द किया, कुछ सिम्टम आए और फिर वो ठीक हो जाता है। यानी हम अपने किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं खोते, परंतु इस वैक्सीन की ड्राइव को कि ये जिस जो हर एमएच में है या हर पॉलीक्लिनिक पे जो अभी आर्मी हेडक्वार्टर पे केस लिया गया है, टेकअप किया गया है, और कुछ 2-4 रोजों के अंदर वहां से और भी जो है निर्देश आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, जो कि जितने भी कोरोना क्यूआरटी ग्रुप्स हैं सैनिकों के उसके अंदर सबको भेजा जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश की जाएगी कि आपके क्षेत्र में जितने भी गांव तक हमारे सैनिक परिवार हैं उनमें से हर एक को कृपया करके वैक्सीनेट कराएं। अगर हम इस ड्राइव पे लगे तो अगले 2-3 हफ्ते के अंदर अगर हम सबको खींच के बाहर ले आए तो हमें किसी के लिए ना तो ऑक्सीजन का बेड ढूंढना पड़ेगा, हमें किसी के लिए वेंटिलेटर नहीं ढूंढना पड़ेगा। आर्मी हेडक्वार्टर के ईसीएचएस का भी लेटर 29 तारीख को आया, जो कि हमने सभी ग्रुप्स को भेजा है, नए ग्रुप्स जो आएंगे उसको भी सारे संदेश जाएंगे, जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि 18 से 44 साल के उम्र के जो सैनिक परिवार के सदस्य हैं उनके लिए वैक्सीन का बंदोबस्त करने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। यानी मई 15 के आसपास 18 से 44 साल की उम्र के जो हमारे सैनिक परिवार के सदस्य हैं उनको नजदीक के पॉलीक्लिनिक या फिर नजदीक के मिलिट्री हॉस्पिटल या कमांड हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन दी जाएगी। मात्र 2 चीज ले जाने की जरूरत है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, एक आपका डिपेंडेंट कार्ड या फिर आपका ईसीएचएस कार्ड और साथ में आपका एक आधार कार्ड, ये लेके जाएं और आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अगर कहीं पे कोई भी परेशानी है, किसी को एडमिशन की मदद की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मेहरबानी करके कंट्रोल रूम पे तुरंत संपर्क करें। आपके क्षेत्र के जितने भी क्यूआरटी हैं सैनिक कोरोना क्यूआरटी उनको हम संदेश भेजेंगे, वो मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ
आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, वेटरन सेल से लेके ईसीएचएस जहां बन पड़ेगा, कम से कम टाइम के अंदर हम उस परिवार को मदद देंगे। लिहाजा आप सबसे एक ही गुजारिश है, यह विपदा का समय है, यह विपदा का समय है, और हम लोगों को समझदारी के साथ अपने परिवार के अंदर जो लोग सक्षम हैं, शहरों में बैठे हैं, कस्बों में बैठे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के बैठे हैं, अपने आप को सैनिक कोरोना QRT के रूप में कार्यरत कर लें। ये नंबर अभी सभी ग्रुप्स में ऐड कर लें और संपर्क करें, ताकि हम कंप्यूटर के माध्यम से जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, मदद है या कुछ भी आपको चाहिए वो हम भेज पाए। इसी प्रार्थना के साथ कि हमारे सैनिक परिवार का कोई भी सदस्य कोरोना के इस महामारी के अंदर अपना जीवन जो है वो समाप्त ना कर ले, या उसको उसके परिवार का कोई सदस्य ना खो दे। मैं यही प्रार्थना करूंगा भगवान से, हमारे सभी सैनिक परिवारों को सुरक्षित रखें, घरों में रहें, बाहर निकलने पे डबल मास्क पहने, सिंगल मास्क से कोरोना नहीं रुक रहा, दूरी बना के रखें, अपने हाथ हर वक्त धोते रहें, घर में तो सब्जी आ रही है, कोई भी सामान आ रहा है, यह सोच के चलें कि उसके ऊपर कोरोना चिपका हुआ है, उसको सैनिटाइज करें, उसके पश्चात ही अपने परिवार के अंदर जो है उसको ग्रहण करें। इसी प्रार्थना के साथ अगर आपको लगता हो कि इस नेक काम के अंदर जितने भी ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सैनिक जुड़े हुए हैं, अगर वो आगे आए, जितने भी संगठन है वो भी QRT के रूप में अगर आगे आए और इस समय सैनिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूं हम इस कोरोना को हरा कर छोड़ेंगे। जय हिंद।